और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दे, महाराष्ट्र के जालना से 58 करोड़ नगद जब्त किए गए हैं। बिजनेसमैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई है। 390 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। देश में काली कमाई के धन कुबेरों पर एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। ताजा छापेमारी महाराष्ट्र के जालना में की गई है, जहां पर एक स्टील व्यापारी से 58 करोड़ रुपए नगद जो है वो बरामद किए गए हैं। इतना नहीं, ये नहीं, छापेमारी के बाद जब इनकम टैक्स की टीम स्टील व्यापारी के घर पहुंची, फैक्ट्री और फार्म हाउस पर पहुंची, तो वहां पर 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। ये तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम को इस रेड में 32 किलो सोना भी मिला है। ये काला धन और सोना आलमारियों और बिस्तर में छिपाकर रखा गया था। अट्ठावन करोड़ कैश को जिस गाड़ी में छिपाकर ले जाया जा रहा था, उस कार को भी जब्त कर लिया गया है। इस कार पर दुल्हन हम ले जाएंगे स्टिकर लगा हुआ था। तो किस तरीके से, देखिए, जालना में कैश फैक्ट्री एक तरीके से कह सकते हैं उसका खुलासा हुआ है। बेशुमार हीरे मोती मिले हैं, सोना 32 किलो अब तक जब्त किया जा चुका, 58 करोड़ कैश मिले उस गाड़ी में मिले हैं जिसमें जिसको बारात के लिए सजाया गया था। वहीं कई प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति अभी तक जब्त की जा चुकी है। आईटी की जो ये रेड है वो काफी बड़ी थी, क्योंकि इसमें आईटी के 300 अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र के जालना में ये बड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रेड देखने को मिली है, जिसमें अभी तक 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। वहीं एक गाड़ी जो मिली है, जिस गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ था और उसे बारात के लिए तैयार किया गया था, वो शादी में जाने वाली गाड़ी थी, उसमें प्लास्टिक में छिपे 58 करोड़ कैश जो है वो मिले हैं। तो 58 करोड़ कैश को जिस गाड़ी में छिपाकर ले जाया जा रहा था, उस कार को जब्त किया गया है। इस कार पर दुल्हन हम ले जाएंगे का स्टिकर लगा था। आईटी की टीम पहले स्टील व्यापारी के घर पहुंची, वहां से वो एमआईडीसी एरिया के स्टील कारखाने तक पहुंची, वहां से टीम फार्म हाउस तक गई, जहां कबर्ड में और बिस्तर में करेंसी छिपाकर रखा हुआ था। नोट गिनने के लिए 12 मशीनों ने 13 घंटा बताया जा रहा है कि काउंटिंग चली है। 13 घंटे तक जो अधिकारी है वो वहां पर जुटे हुए थे और इस नोट की काउंटिंग देखिए चल रही थी। 58 करोड़ कैश बताया जा रहा है कि मिला है, और ये वो गाड़ी बताई जा रही है जिसमें प्लास्टिक में छिपाकर नोट रखे थे, नोटों के बंडल थे। और उसके बाद 12 मशीन बनाई गई, नोटों की मशीन को बुलाया गया कि किस तरीके से काउंटिंग जो है वो शुरू हुई, तो काउंटिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 13 घंटे तक काउंटिंग चली है, जिसके बाद पता चला कि 58 करोड़ ये कैश है जो बरामद हुए हैं।